चलिए, अब हम लोग का एक पोर्शन ख़त्म हो गया है कोडिंग का। अब हम लोग दूसरे पोर्शन पे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे बात किया गया है वेरिएशन इन लेटर शिफ्टिंग। अब हम लोग को लेटर में पोजीशन जो है वो शिफ्टेड मिलेगा, जहाँ पे था वहाँ पे नहीं मिलेगा, किसी और जगह पे उसका पोजीशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हमारे पास अब सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, जिसमें आपको बोला गया काउंटर। काउंटर को लिखा गया है SRETNUOC, और आपको बोला गया है आप बता दो क्लियरिंग का क्या होगा। तो आपको क्लियरिंग का बताना है, आप देखो सबसे पहले रिलेशन फाइंड करो, सी का एस से करो, यू ओ का यू। आप सबसे पहले रिलेशन फाइंड करो, सी का एस से करो, ओ का आर से करो, यू का ई से करो। आपको रिलेशन मिलने में बहुत ही परेशानी होगा, हो रहा है? चलिए, तो आप कुछ दूसरा रिलेशन खोज ले। यदि आपका रिलेशन खोजा हुआ हो गया हो, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा उससे, तो चलिए अब नए कॉन्सेप्ट के साथ इसका रिलेशन ढूंढते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, जो आपका काउंटर लिखा गया है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो आपका काउंटर लिखा गया है, ठीक है, देखिए ये काउंटर है, ठीक है। अब इसे आप उल्टा करके लिख दो, आपको ये वर्ड मिल जाएगा। इधर से ये सी से गया हुआ था ना, आप इधर से रिटर्न कर लो। सी है, सी इसका लास्ट वर्ड है, OUUNNTTEERRS और S मिल गया। चलिए, अब रिलेशन डेवलप हो चुका है कि एक सीधा जा रहा, दूसरा उल्टा चल रहा है। तो आप क्लियरिंग में भी सेम चीज़ लगाओ और आंसर पाओ। चलिए लगा दीजिए। आपको सबसे लास्ट लेटर क्या चाहिए और फर्स्ट लेटर क्या चाहिए, मायने तो यही बात रखती है ना। सबसे लास्ट लेटर आपका होगा सी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर सी, और फर्स्ट लेटर होगा क्या, जी। तो आप देखिए, इसमें से सबसे पहले जी किस में है, बी में है, सी में है, इसके बाद आपका ई में है, मतलब यही तीनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। लास्ट लेटर देख लो एक बार, लास्ट लेटर आपको मिल गया यहाँ पे सी। चलिए, तो आपका आंसर हो गया ई। अब आपको पूरे लेटर खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो ही में तो आंसर हमें मिल गया है। ठीक है, आप चाहो तो पूरे लेटर को खोज सकते हो, फाइनली आपका आंसर ई ही आने वाला है। इफ़ VXUPLVH इज रिटन एज सरमाइज, वॉट इज OHPRQ द कोड फोर। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में आपसे पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को पहले एक बार ठीक से पढ़ो, आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन आपसे रिवर्स ऑर्डर में पूछा गया। अभी तक आपको यहाँ पे बताया जाता था कि कौन सा वर्ड है, और यहाँ बताया जाता था आपका कौन सा कोड है। आपको यहाँ पे पूछा जाता था कि यह आपका एक वर्ड है, इसका कोड क्या होगा, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहता था। लेकिन अब आपको यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, आपको ये वर्ड ही दिया हुआ है, ये इसका कोड ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये कोड दे दिया है और बोल रहा है ये कोड जो है ये किस वर्ड के लिए है। ठीक है, तो आपको अब वर्ड खोजना है, यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा। तो आप सबसे पहले देखो, आप इसे जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ले लिया है। अब बस हमें क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, जो भी आपको दिया है BXUPLV और H। इसके बाद यहाँ पर आप ये भी लिख लीजिए SUREMISE, लिख लिया। अब देखो कि आप इसमें क्या रिलेशन खोज सकते हो। आपको यदि वी से एस में आना है तो आपको -3 चलना पड़ रहा है क्या, पड़ रहा है? एक्स से यू में जाना है तो आपको -3 चलना पड़ रहा है, पड़ रहा है? चलिए, मान लिया कि रिलेशन पूरे में लग रहा, ठीक है, और हम लोग देखते हैं लास्ट में क्या लग रहा है। यदि लास्ट में कुछ वैरी होता है, देन अगेन हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ से वेरिएशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखिए, एच से ई में जाने के लिए -3 लग रहा है, पढ़ लीजिए आप एक बार, ई के बाद एफ जी और एच। ठीक है, चलिए, तो उसी तरह से अब हम लोग को कोडिंग किसका करना है, OHPRQ का, उसका वर्ड खोजना है। मतलब यदि यहाँ -3 हो रहा था, तो अब हम लोग को यहाँ से इधर जाने का है ना, तो जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो हम लोग को +3 करना होगा। तो चलिए, आप +3 करते हुए खोज लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड जो है वो है ओ, तो आप ओ के लिए क्या करेंगे, 3+ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, PQ देन R, ठीक है, तो R हो गया। उसी तरह आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, आप उसे देखो, आपका नेक्स्ट वर्ड है H, H के लिए जब आप +3 का कोड करोगे तो आपको मिलेगा A। चलिए, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया लास्ट वर्ड खोजने का,
तो हम लोग फिर से एक बार वही चीज़ अपनाते हैं, क्योंकि अब हमें दिख गया है कि यहाँ जो दो वर्ड हम लोगों को मिले हैं, ये दो वर्ड हम लोगों के ये पांचों ऑप्शन में से सिर्फ ई के पास ही है और किसी के पास नहीं है। मतलब हमें पता चल चुका है कि ई के पास है, तो हम लोग ई को सीधा आंसर कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वर्ड को एक बार चेक कर लेंगे, क्यू से हम लोग +3 होके कंफर्म कर लेंगे कि टी ही तो आ रहा ना, आ गया, मतलब मेरा यही सही आंसर है और हम लोग को अब इसका आंसर मिल गया है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ में क्या नया देखने को मिलता है। तो अब हम लोग पहुँच गए अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है कि एक सर्टेन कोड में स्ट्रेटेजिक एक वर्ड है जिसे लिखा गया है TSARTGECI। अब आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है कि स्टिप्यूलेट एक वर्ड है, आप इसका कोडेड फॉर्म बता दो कि कोडेड फॉर्म में ये क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आप फिर से +1 का इसमें चाहेंगे कि मिल जाए, +2 का कुछ मिल जाए, +3 का मिल जाए, माइनस का मिल जाए, मतलब प्लस माइनस कोई नंबर होके ये मिल जाए, आप ऐसा खोजने का कोशिश करोगे, लेकिन आपको ऐसा कोडेड लैंग्वेज यहाँ नहीं मिलेगा। मैंने बोला था ना कि अब कुछ नया मिलने वाला है, तो देखिए अब यह नया आ गया है। देखिए सबसे पहले यदि आप लिखते हो यहाँ पे STRATEGICC, सॉरी गाइस यहाँ पे सी नहीं लिखा जा रहा, तो सी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसे यदि हम लोग को बनाना है TSA, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं TSA, और इसके बाद क्या है TGECI। अभी दोनों के बीच में रिलेशन खोजना है, आप T और S का जो रिलेशन है वो खोजो, यहाँ पे भी आपको रिवर्स मिल गया, मतलब यहाँ +1 यहाँ -1 है क्या, तो अगले में भी खोज लो R और A में, और फिर A और R में हो रहा है क्या +1 -1, नहीं हो रहा है, मतलब वो हम लोग का यहाँ पे नहीं लग सकता है। तो अब देखिए क्या लग सकता है। हम लोगों ने दूसरा क्या देखा था कि वो इधर उधर भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यदि उसका वर्ड जो है उसका फर्स्ट पोजीशन पे कोई फर्स्ट लेटर है तो कोडेड फॉर्म में भी उसका जो कोडिंग होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे ही आए, इधर उधर हो सकता है। तो देखिए आप क्रॉस करके देखिए, एस को यहाँ पे लिखा गया है, टी को यहाँ पे लिखा गया है, आर को यहाँ पे है, ए को यहाँ पे, टी को टी के जगह पे रख दिया है, ई को चेंज कर दिया है यहाँ पे, जी को यहाँ पे, आई को यहाँ पे, सी को यहाँ पे। तो हम लोग ऐसा ही करेंगे इसके आंसर के साथ। देखिए एस को रखेंगे सेकंड पोजीशन पे, टी को ले जाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे। तो आप देखिए आंसर में सबसे पहले टी टी आपका फर्स्ट पोजीशन पे कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में है और ई में है। अब दूसरा है आपको एस को ले जाना सेकंड पोजीशन पे, एस को देखिए ये दोनों में से सेकंड पोजीशन पे कौन लेके गया है, सिर्फ और सिर्फ सी, हो गया आपका सही आंसर सी। आगे आपको मिलाना है, तो जिस तरह से वहाँ हम लोग कोडिंग को अरेंज किए थे वैसे आप यहाँ पे अरेंज करो, आपको पूरा का पूरा वर्ड मिला हुआ मिलेगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं दे सकते हो एक क्वेश्चन को। आप याद रखना एग्ज़ाम में आपको स्मार्ट वर्क करके ही आना है, आप अभी जितना मेहनत करना है करो, एग्ज़ाम में जाके मेहनत करने की मत सोचना, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपना स्मार्टनेस दिखाने की सोचना, वहाँ आपकी स्मार्टनेस ही काम आने वाली है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, इफ़ केयरिंग इज कोडेड एज MPDRGF एंड शेयर्स इज कोडेड एज XLPDUX, हाउ कुड कैस्केड बी पॉसिबली कोडेड इन द सेम कोड। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका जो है थोड़ा अलग टाइप का है, जो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है उस टाइप का नहीं है। इसमें आपका हर एक वर्ड के लिए कुछ कोडिंग है, और इसमें देखिए आपका एक स्पेशल वर्ड ऐड किया गया है पॉसिबली, मतलब इसका पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे हैं उसमें से, लेकिन आपको ऑप्शंस में जो मिल रहे हैं उसको चुनना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, केयरिंग यहाँ पर लिख लो, CARING, इसके बाद आप उसके लिए कोड बना दो, उसके बाद आप उसके लिए कोड बना दो MPDRCF। यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं हुआ तो मैं एक स्लाइड ही बना लेता हूँ, और स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसे बनाना है, ठीक है। चलिए स्लाइड देखिए,
ये आपका स्लाइड सी को हम लोग एम ए पी आर डी आई आर एन जी, ठीक है। और फिर आपका था जी जिसको हम लोग दिखाएंगे एफ से। उसी तरह एस को एक्स से दिखाना, जब शेयर का बात करेंगे तो एच को एल से, ए को पी से, आर को डी से, ई को यू से, एस को एक्स से। इसमें देखिए आपको कुछ कॉमन पेयर मिलेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ मिल रहा है कि ए जो है वो पी से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे भी ए के लिए पी मिल रहा है मुझे, यहाँ आर के लिए डी मिल रहा है, यहाँ पे भी आर के लिए डी मिल गया मुझे। यहाँ फर्स्ट में आपको एस के लिए एक्स मिला था, यहाँ पे भी एस के लिए एक्स मिल गया है। तो चलिए हम लोग आंसर की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं आंसर हम लोग इसका कैसे कर सकते हैं। जो आपने कोडिंग किया उसे सबसे पहले आप लिख लो, और इसके बाद आप देखो इसके लिए जो आपको यहाँ दिया हुआ, आपको दिया था लेटर कैस्केट, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो जो अभी अभी आपने यहाँ पे आगे देखा हुआ है, क्या देखा था हमने, सी के लिए एम। देखिए आप यहाँ पे सी का जो एम है मिल गया आपको। उसी तरह देखिए ए, ए के लिए क्या है आपको पी मिला हुआ है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं ए के लिए पी। इसके बाद आपका क्या वर्ड था, इसके बाद आपका वर्ड है एस। देखिए आपको एस के लिए क्या मिल रहा है, एस के लिए एक्स हम लोगों ने खोजा हुआ था, ये एस के लिए एक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या मिल रहा है, आप देखिए तो इतना में भी आपका आंसर हो गया। फिर भी हम लोग देखते हैं पूरा को, के, के के लिए आपको क्या मिल रहा है, के आपको नहीं दिया हुआ तो के को आपको ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद है ई, ई आपको मिल रहा है यहाँ पे, ई के लिए यू मिल रहा है तो आप यू कर लो। और फिर है टी, और इसके बाद टी के लिए आप कर दो, देखो आपको टी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, टी टी को ब्लैंक छोड़ दो। आप अभी तक जितना खोज पाए हो, आप अभी तक जितना खोज पाए हो उसमें से आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है बताइए। देखिए एम पी एक्स बी यू एन, आपको इसमें से एम पी एक्स जो वर्ड आपने खोजा था और यू खोजा था वो मिल गया ना, बी और एन नहीं मिल रहा। आपको और भी कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि ये वर्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉसिबली क्यों लिखा था, जो आप यहाँ देख रहे थे क्वेश्चन में कि यहाँ पे पॉसिबली लिखा हुआ, ये क्यों लिखा था, क्योंकि आपका यहाँ बी और एन के जगह में कोई और लेटर भी हो सकते हैं, वो भी एक सही आंसर होता, लेकिन हमें ऑप्शन में वो नहीं दिया गया, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में पॉसिबली लिख के दिया गया है। चलिए तो ये क्वेश्चन अब आसानी से बन जाएगा आपसे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें बोला गया द इंटिटीज इन द कोड आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एज द लेटर इन द वर्ड फॉर विच दे स्टैंड। इफ द फर्स्ट टू वर्ड गिवन ऑन द लेफ्ट आर कोडेड एज द वर्ड गिवन ऑन द राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पॉसिबल कोड फॉर द थर्ड वर्ड। देखिए ये क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन का हेल्प लेना बहुत ही जरूरी है, विदाउट ऑप्शन आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जैसे अभी सॉल्व करते आ रहे थे प्लस माइनस करते हुए पोजिशन शिफ्टिंग, ये उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, और एक नए कंसेप्ट को सीखते हैं, आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलने वाला है अभी। तो चलिए तैयार हो जाइए फिर से। सबसे पहले आर, देखिए राइड में आपका आर है, तो आप खोजिए कि ये आर क्या आपका जो दो वर्ड दिया हुआ वो दोनों में से कहीं पर है, मिल गया, दोनों में है। देखो आपको यदि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में आर मिल रहा है, तो वैसा ही एक कॉमन वर्ड जो आर के लिए कोडेड हो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है हर लेटर को एक कोड किया गया है, ठीक है, और वही आपको देखना है। तो अभी यहाँ देखें तो इस साइड में हमें क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है क्या, टी मिल गया, मतलब आर स्टैंड्स फॉर टी। अब यदि हम लोग को राइड के लिए लिखना है तो एक वर्ड तो हम लोगों को मिल गया कि टी होगा, ठीक है। अब दूसरा वर्ड खोजते आई, आई आपको ना तो ग्रैड में मिल रहा है ना रेंट में मिल रहा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ आपको जो रेंट के लिए आने वाला है इसमें एक ऐसा वर्ड आएगा जो अभी ना तो पी ओ एल टी में है ना ही जेड क्यू टी एफ में है। चलिए अब डी को देखते हैं, डी आपको मिल रहा है ग्रैड में, और ग्रैड में आप उठा चुके हो सबसे पहले टी को, बचा हुआ आपको पी ओ एल, मतलब ये पी ओ एल में आपको कुछ मिलना है। और दूसरा है आपका ई, और ई में से भी आप उठा चुके हो टी, अब बचा है आपका रेंट से जेड क्यू एफ, मतलब जो अब आपको वर्ड मिलने हैं वो एक वर्ड तो आपको पी ओ एल में मिलना है, और दूसरा वर्ड जेड क्यू एफ में मिलना है, और थर्ड वर्ड जो है आपको ये तीनों में से, सॉरी ये छः में से किसी में भी नहीं मिलना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके ऑप्शंस को देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या हम लोग देख पा रहे हैं और क्या हम लोगों का आंसर होगा।
देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है PTBQZTOFMTAF और FTCF। सबसे पहले हम लोग इससे पहले क्या देखे थे कि हम लोग के पास एक वर्ड आने वाला है टी, दूसरा POL में से कुछ आने वाला है। आप देखो ये कंडीशन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कर रहा है। दूसरा वर्ड से हम लोगों को क्यू मिल जा रहा है, हो गया। बी वहाँ पे हम लोगों के पास नहीं था, मतलब आपका ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका पहला कंडीशन बोल रहा है कि यदि आपका फर्स्ट लेटर वॉवल है और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो आपको जो कोडिंग करना है वो कॉन्सोनेंट का जो कोडिंग होगा वही कॉपी हो जाएगा वॉवल पे। सेकेंड कंडीशन आपको यदि बोल रहा है कि यदि दोनों का दोनों कॉन्सोनेंट है, ये दोनों यदि कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक ही कोड करना है, वो है आर, और इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपका बोल रहा है कि यदि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर वॉवल है तो आपका जो भी कोडिंग होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा दोनों का, यहाँ पे और इसका यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे बेल्जियम के लिए, तो बी जो है वो एक कॉन्सोनेंट टर्म है और आपको कॉन्सोनेंट लास्ट में या फर्स्ट में बोला गया, तो आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सोनेंट के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन बच गए हैं। आपके पास है दो कंडीशन, सेकेंड और थर्ड दोनों। ठीक है, चलिए अब कंडीशन हम लोगों ने देख लिया है, कंडीशन फर्स्ट और लास्ट के बारे में ही सारा बोल रहा है, तो हम लोग लास्ट लेटर को देखते हैं। लास्ट में आपके पास है एम, एम क्या कॉन्सोनेंट है? हाँ, यदि एम कॉन्सोनेंट है तो आप क्या करोगे, सेकेंड कंडीशन को प्रायोरिटी दोगे, और सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, दोनों को कोड करना है आर इनक्लोज इन अ सर्कल। तो चलिए इसका जो भी आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक इसे होने दीजिए, लेकिन लास्ट में जो आपका होना है वो है आर इनक्लोज इन अ सर्कल, और फर्स्ट होगा आर इनक्लोज इन अ सर्कल, और इसके बीच में आपका कुछ लेटर आएगा। मिल गया इसका आंसर, तो इस तरह से भी आपको। सो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो।